हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेश एमएस क्लासेज में। आज की इस वीडियो में जो है हम आपको एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसको अच्छे से हल करते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें कुल मिला के 3 खंड दिए हुए हैं। इन तीनों खंडों को जो है हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ निकालने से पहले हम जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तभी हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए जो है सबसे पहले जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो इसको जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी कहते हैं और इसी को जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। माना दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर इससे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू तथा आर प्राप्त होती है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से r जो है बड़ा होता है या 0 के बराबर r का मान होता है और r से बड़ा जो है b होता है। जहां a को भाज्य, b को भाजक, q को भागफल तथा r को शेषफल कहते हैं। अतः भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी कि जो है a को जो है भाज्य कहा जाता है, b को जो है भाजक कहा जाता है, Q को जो है भागफल कहा जाता है तथा R को शेषफल कहा जाता है। अगर फिर भी यहाँ से अच्छे से समझ में ना आ रहा हो तो फिर से हम आपको समझाते हैं। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं भाज्य को A से प्रदर्शित किया जाता है, इसको जो है भाग के अंदर रखा जाता है और भाजक को B से प्रदर्शित किया जाता है और भागफल को Q से प्रदर्शित किया जाता है तथा शेषफल को R से प्रदर्शित किया जाता है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाज्य को ए से प्रदर्शित किया जाता है, भाजक को बी से प्रदर्शित किया जाता है, भागफल को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है तथा शेषफल को आर से प्रदर्शित किया जाता है। जहां जो है 0 से बड़ा होता है आर का मान या 0 के बराबर होता है आर का मान और आर से बड़ा होता है बी का मान। तो इसमें क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, पहले इसमें जो है भाग किया जाता है और भाग करने के बाद जो है कुछ ऐसी स्थिति इसमें बनती है। तो इसी से जो है हम जो है इसको अच्छे से हल करेंगे। चलिए जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि इसमें पहला खंड दिया हुआ है 135 और 225 दिया हुआ है, तो पुनः एक बार इसको हम लिख लेते हैं। पहला खंड इसमें है 135 और 225, तो चलिए इसको हल करते हैं। क्योंकि 225 बड़ा है 135 से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से अब एक तरफ हम जो है भाग करते चलेंगे और उसके बाद इसको हम सॉल्व करते चलेंगे। इसमें ध्यान देना है जो बड़ी संख्या होगी, जैसे यहां पे 225 बड़ी संख्या है और 135 छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या को भाग के अंदर रखेंगे, यहां भाग का चिन्ह लगाएंगे और भाग के अंदर जो है बड़ी संख्या रखेंगे और छोटी संख्या से भाग देंगे। तो छोटी संख्या यहाँ पे कितना है 135 है, तो 135 से इसमें भाग दे देंगे। तो भाग जो है दो बार नहीं जाएगा, अगर दो बार भाग ले जाओगे तो 270 हो जाएगा, यानी कि 225 से ज़्यादा हो रहा है, तो यानी कि 51 बार भाग जाएगा। तो एक बार भाग ले जाएंगे तो 135 51 हो जाएगा, यहाँ पर 135। अब इसको घटा दीजिए, 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक हासिल जाएगा तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे हम लिखते हैं चरण एक, चरण एक। तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इसमें, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ए होता है भाज्य, यहाँ पे 225 क्या है भाज्य और भाजक क्या है 135 और भागफल क्या है यहाँ पे 1 है और शेषफल कितना है यहाँ पे 90 है।
तो इसी से जो है हम लिखेंगे। तो यहां पे देखिए, तो a बराबर क्या है, यहां पे देखिए 225 है, तो 225 लिख लेंगे यहां पे। और b कितना है यहां पे, b देखिए यही है भाजक, ये है भाजक यहां पे 135 है, तो 135 लिख लेंगे। फिर गुणा लगाएंगे, q कितना है, q देखिए क्या होता है भागफल, तो भागफल कितना है, एक है, तो यहां पे एक लिखेंगे। और शेषफल कितना आया है, देखिए 90 आया है यहां पे, तो यहां पे प्लस कितना कर देंगे, 90 कर देंगे। अब देखिए r बराबर नहीं है जीरो, r बराबर नहीं है जीरो, तो अभी जो है इसको और आगे सॉल्व करेंगे। अब चरण दो बनाएंगे इसमें, तो कैसे करेंगे, फिर जो है यहां पे भाग का चिन्ह लगाओगे। अब जो 135 है, 135 को यहां रख देंगे, 135 को यहां रख देंगे। अब भाग करेंगे तो 90 दूना 180 होगा, जो कि 135 से ज्यादा होगा, 51 बार भाग जाएगा, तो 90 हो जाएगा। घटाएंगे यहां पे 5 आ जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो अब चरण दो यहां से बन जाएगा, तो चरण दो लिखते हैं, चरण दो। तो देखिए ए कितना है यहां पे, अब ए है 135, 135 लिख लेंगे। बी कितना है, 90 हो जाएगा गुणे, क्यों कितना है, एक है। आर कितना है, 45 है, 45 लिख लेंगे। अभी भी आर बराबर नहीं है जीरो। अब जो है क्या करेंगे, फिर यहां भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब यहां ये जो 90 है इसको यहां रख देंगे। अब 45 दूना कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। घटाओगे तो यहाँ पे कटपिट हो जाएगा, यानी कि जीरो आ जाएगा शेषफल। तो अब जो है ये बन जाएगा चरण तीन, ये बन जाएगा चरण तीन बन जाएगा। तो चरण तीन में देखिए यहाँ पे भाज्य कितना है, 90 है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो 90 बराबर हो जाएगा 45 गुणे दो। प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे, जीरो, यानी कि शेषफल कुछ भी नहीं आया, यानी कि जीरो आया है। तो शेषफल कितना कर देंगे यहाँ पे, जीरो कर देंगे। तो r बराबर कितना आ गया, जीरो। जब r बराबर जीरो आ जाता है तो वहीं से समाप्त हो जाएगा भाग करना। अब जो है लास्ट में जिस संख्या से भाग दिया जाएगा वही हमारा HCF हो जाएगा। लास्ट में 45 से भाग दिया गया है तो यही हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है अतः करके लिखेंगे, अतः HCF जो है इसमें हमें जो है 135 का निकालना था, 135, 225 का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यही 45 HCF हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए जो है खंड दो हल करते हैं इसी प्रकार। तो दूसरा खंड दिया हुआ है 196 और 38 220, तो पुनः एक बार इसको लिख लेते हैं, 196 और 38 220। अब चलिए इसको हल करते हैं, क्योंकि 38 220 बड़ा है 196 से। अब इसमें जो है एक तरफ जो है हम भाग करते हुए चलेंगे। इसमें ध्यान देना है बड़ी संख्या को हमेशा भाग के अंदर लिखा जाता है, तो भाग के अंदर जो है बड़ी संख्या को लिख लेंगे, तो 38 220। और छोटी संख्या से हमेशा भाग दिया जाता है, तो 196 से इसमें भाग दे देंगे। तो तीन अंक में भाग ले जाएंगे, तो अगर जो है दो बार भाग ले जाते हैं तो 392 आता है, यानी कि ज़्यादा हो रहा है 382 से, तो 51 बार भाग जाएगा, तो 196 हो जाएगा 196। अब इसको घटा दीजिए, हासिल जाएगा 12 में 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7, तो हासिल जाएगा ये 17 बचेगा, 17 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब क्या करना है इसमें, देखिए यहाँ पे अभी भी यहाँ पे ऊपर कुछ संख्याएं बची हुई हैं, इसको यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे उतार लेंगे। अब इसमें 196 से इसमें भाग दे देंगे, तो कितनी बार भाग जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा, 9 5 81 82 83 84 85 86 86 की 6 हो जाएगा, 9 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि 1764 हो जाएगा।
अब घटाएंगे इसमें हासिल जाएगा 12 में से 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे बचा 5 हासिल जाएगा 15 बनेगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए कट पिट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अब भी जो है यहाँ पे ऊपर कुछ संख्याएं बची हुई हैं, इसको यहाँ पे हमें उतारना पड़ेगा। अब उसके बाद जो है कितनी बार भाग ले जाएंगे इसमें, 5 बार, तो 5 छंग 30 की 0 हो जाएगा, 5 9 45 46 47 48 48 की 8 हो जाएगा, 5 के नम 5 4 9। अब देखिए कट गया पूरी तरह से, अतः इसमें जो है एक ही चरण बन रहा है। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पहले लगा लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो इसमें एक ही चरण बन रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे देखिए ए लिखेंगे, ए कितना है 38 220 बराबर, बी कितना है यहाँ पे 196 है तो 196 लिखेंगे, फिर गुणे क्यू कितना है यहाँ पे 195 हो जाएगा, प्लस आर कितना है यहाँ पे, शेषफल 0 आया है यानी कुछ नहीं यानी 0 आ गया है, तो आर बराबर यहाँ पे 0 आ गया है। तो इसमें पहली बार और लास्ट बार 196 से ही भाग दिया गया है, तो यही हमारा एच सी एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे एच सी एफ 196 हो जाएगा, अतः एच सी एफ 196 कॉमा 38 220 का कितना हो जाएगा 196, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए जो है इसी तरह जो है तीसरे खंड को हल करते हैं। तीसरा खंड दिया हुआ है इसमें 867 और 255, तो पुनः एक बार इसको लिख लेते हैं, 867 और 255, चलिए हल करते हैं इसको। क्योंकि 867 बड़ा है 255 से, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे इसमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो इधर भाग करिए इसमें, तो इधर जो है भाग कर लेते हैं, परीक्षा में आपको भाग भी करना है एक साइड में, तो यहाँ भाग का चिन्ह लगा लेते हैं। अब जो संख्या बड़ी रहेगी उसको भाग के अंदर रखेंगे, तो देखिए इसमें 867 बड़ी है और 255 छोटी है, यानी कि 867 जो बड़ी संख्या है इसको अंदर रखेंगे और छोटी संख्या से भाग दे देंगे, छोटी संख्या 255 है, 255 से इसमें भाग दे दीजिए। अब चलिए जो है भाग करते हैं, तो 255 से 867 में भाग दोगे तो 3 बार भाग जाएगा, 3 × 15 = 5, 3 × 15 = 16, 16 = 6, 3 × 2 = 6, 7 हो जाएगा। इसको घटाइए, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0 आ जाएगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे चरण 1 बन जाएगा, तो चरण 1 से, तो देखिए इसमें हम बताए थे पहले ही, देखिए यहाँ पे भाज्य यहाँ पे क्या है ए कितना है 867, तो 867 बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बी कितना आया है 255 है बी इसमें तो 255 लिखेंगे, फिर गुणे क्यू कितना है 3 है 3 लिखेंगे, फिर प्लस आर कितना है आर 102 है तो 102 लिखेंगे। अभी भी जो है आर का मान 0 नहीं आया है तो आर बराबर नहीं है 0। अब जो है यहां से चरण 2 बनाएंगे तो फिर यहां भाग का चिन्ह लिखेंगे, फिर यहाँ भाग का चिन्ह बनाएंगे, उसके बाद जो है 255 यहाँ रख देंगे, 255 यहाँ रख देंगे। अब भाग करिए इसमें 102 से तो 2 बार भाग जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 0 = 0, 2 × 1 = 2, घटाइए इसमें 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे कट जाएगा। अब ये बन गया चरण 2, तो चरण 2 में देखिए तो ए कितना है यहाँ पे 255, यानी 255 भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो 255 बराबर हो जाएगा 102 गुणे 2 करेंगे, 102 गुणे 2, फिर शेषफल कितना है यहाँ पे 51 है,
ऐसे लिख देंगे, अभी भी r बराबर नहीं है जीरो। अब चलिए यहाँ से चरण तीन बनाते हैं। अब इस 102 को यहाँ रख दीजिए, अब भाग करिए, 51 दूना हो जाएगा 102 हो जाएगा, कट जाएगा, अब शेषफल जीरो आ गया। अब यहाँ बन जाएगा चरण तीन, चरण तीन। अब देखिए एक कितना आया है 102, 102 लिख देंगे बराबर, बी कितना है यहाँ पे 51 आ गया, 51 लिख देंगे गुड़े, क्यों कितना है 2 है, 2 लिख देंगे, और आर कितना आया है यहाँ पे, देखिए कुछ नहीं आया, यानी कि शेषफल जीरो आ गया यहाँ पे, तो आर बराबर जीरो हो गया। तो लास्ट में 51 से भाग दिया गया है, यही हमारा HCF हो जाएगा। अतः तो यहाँ पे यही 51 HCF होगा, अतः HCF 867.255 का हो जाएगा 51, यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद।